इंटरनेट से सीखो में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से 1075 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी उनकी जो है वैकेंसी स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। जो दोस्तों बिहार एसएससी ड्राइवर पोस्ट की जो कि 1075 पदें निकली हुई थी वह स्थगित हुआ। और दोस्तों बिहार इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी ड्राइवर पोस्ट स्थगित हुआ या रद्द जानिए, और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि 1075 पोस्टों के साथ जो ड्राइवर पोस्ट की निकली हुई थी वैकेंसी उसकी ऑफिशियल अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली अपडेट्स पे। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि आवश्यक सूचना है दोस्तों, ज्ञापन संख्या 629 और विज्ञापन संख्या 130101116 जो कि चालक पद की है, इसकी लिखित परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर योग्य पाए गए 1075 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चालक संबंधित दक्षता जांच एवं साक्षात्कार के लिए दिनांक 17/3/2020 से 27/3/2020 तक समयावधि निर्धारित की गई थी और अपरिवहन कारणों से उक्त वाहन चालक संबंधित दक्षता जांच एवं साक्षात्कार कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है यानी कैंसिल किया जाता है। इस वैकेंसी को जो है 1075 अभ्यर्थियों की सूची जो निकाली गई थी दोस्तों, जिसकी कि साक्षात्कार और दक्षता जांच जो है 17/3/2020 से 27/3/2020 को होने वाली थी, कुछ कारणों की वजह से इसे जो है रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और आगे की जो संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अध्ययनत सूचना जो है हेतु आयोग के वेबसाइट जो कि आयोग का वेबसाइट बिहार एसएससी यानी bssc.bih.nic.in का जो है सतत अपलोकन करते रहेंगे। यानी यह कार्यक्रम जो कि दक्षता जांच एवं साक्षात्कार का जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित सूचना जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और यह भी निर्देश दिया गया है कि जो है इस वेबसाइट को हर वक्त जो है हर समय इसे अवलोकन करते रहें यानी देखते रहें और इस वैकेंसी के बारे में अगली सूचना तक जो है इसे स्थगित किया जाता है। और जैसे इसकी कोई सूचना आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी फ़िलहाल जो है इस वैकेंसी को जो कि इसकी विज्ञापन संख्या भी दी गई है, इस विज्ञापन संख्या के वैकेंसी को जो है कुछ कारणों की वजह से और क्या कारण है इस वजह से जो है कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है, स्थगित किया जाता है अगले समय के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट 17/3/2020 से 27/3/2020 तक दक्षता जांच एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे वो अब कुछ कारणों की वजह से उस पद जो कि चालक पद का जो लिखित परीक्षा था वह जो है उसे कुछ कारणों की वजह से स्थगित किया गया है। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट 1075 कैंडिडेट्स हैं उसके पास ये वीडियो जा सके और इस वीडियो को देख सके। सो दोस्तों हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।